वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ क्लास प्लस वन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल, that is also known as the crown of the palace. Here you are seeing the picture of Taj Mahal. इस वीडियो में ताजमहल की आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। The name of the building is Taj Mahal, also known as the crown of the palace. Medium is white marble from Makrana. Makrana is a place in Rajasthan. Building time is 1631 to 1651 AD. Period 1628 to 1656 AD. Dynasty Mughal dynasty, made by the Emperor Shah Jahan. Location on the bank of river Yamuna at Agra in UP, India. Cortege Archaeological Survey of India. The description of Taj Mahal. This beautiful building of white marble from Makrana, Rajasthan is situated in Agra of state UP, that is Uttar Pradesh, on the bank of river Yamuna. Yamuna river ke kinare pe Taj Mahal bana hua hai. This building was built by Shah Jahan in the memory of his wife Arjumand Bano Begum, entitled Mumtaz Mahal. तो ये Shah Jahan ने अपनी wife की याद में बनवाया था, जिसका नेम था Arjumand Bano Begum, और वो Mumtaz Mahal के नाम से फेमस है. It covers an area of about 22 acres and it was constructed by 20,000 artists and workers. इसको बनाने में 20,000 artists and workers ने काम किया था पूरे 20 years के लिए, और ये 22 acre area में बना हुआ है. The cost was 32 million rupees, which would be approximately 52.8 billion rupees today. Ustad Isa and Ustad Ahmed Lahori are generally considered to be the principal architects and designers. Marble for the building was quarried from the Makrana mines in Rajasthan. जो main architects हैं इसके, designers हैं इसके, वो हैं Ustad Isa and Ustad Ahmed Lahori. और जो इसमें मार्बल यूज़ हुआ है वो मकराना माइंस से मंगवाया गया था, जो कि राजस्थान में हैं. आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स. इस्लाम फॉरबिड्स द यूज़ ऑफ ह्यूमन फॉर्म इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, देयरफॉर द डेकोरेटिव एलिमेंट्स इन इस्लामिक आर्किटेक्चर are always designs of all kinds along with intricate carvings and beautiful calligraphy. Islam religion में हजरत मोहम्मद की human form को दिखाना allowed नहीं है, तो कोई भी Islamic architecture की example मिलेगी आपको, तो वो
वॉल पे डिज़ाइंस के साथ और कैलीग्राफी के साथ ही मिलेगी। कैलीग्राफी कोट्स एंड वर्सेस फ्रॉम द कुरान आर अ पार्ट ऑफ डेकोरेशन थ्रू आउट दिस टॉम्ब कम्प्लेक्स। फॉर इंस्टांस फॉर एग्जाम्पल द कैलीग्राफी ऑन गेट जस्टिफाइज द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सेज ओ सोल थू आर्ट एट रेस्ट रिटर्न टू द लॉर्ड एट पीस विद हिम एंड ही एट पीस विद यू। मोस्ट ऑफ दिस कैलीग्राफी इज मेड ऑफ ब्लैक मार्बल और जैस्पर इनलेड इन वाइट मार्बल। जैस्पर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्बल इज अ काइंड ऑफ स्टोन दैट इज यूज इन ताजमहल। एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स एब्स्ट्रैक्ट एंड ज्योमेट्रिक फॉर्म्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वॉल्स स्पेशली इन द प्लिंथ मिनारेट्स गेटवे मॉस्क्यू एंड टू सम एक्सटेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। एब्स्ट्रैक्ट और ज्योमेट्रिक फॉर्म्स भी यहाँ पे यूज की गई हैं मिनारेट्स पे गेटवे पे और पूरी बिल्डिंग पे ही आपको ये दिखाई देती हैं। पेट्रा ड्यूरा इनले वर्क हेरिंग बोन पैटर्न इनलेज आर यूज्ड टू मार्क द स्पेस बिटवीन एडजॉइनिंग एलिमेंट्स। व्हाइट इनलेज आर यूज्ड इन सैंडस्टोन बिल्डिंग्स एंड डार्क और ब्लैक इनलेज ऑन द व्हाइट मार्बल्स हेल्पिंग इट टू स्टैंड आउट कंप्लीटली। अदर स्टोन्स आर येलो मार्बल जेड एंड जैस्पर पॉलिश्ड एंड लेवल्ड टू द सर्फेस ऑफ द वॉल। ऑल द फ्लावर्स एंड लीव्स आर स्टडेड विद कलर्ड स्टोन्स विद लाइट एंड शेड। मल्टी कलर्ड स्टोन्स आर कट इन सच अ वे दैट द डार्क पार्ट हैज थिक स्टोन लाइटर पार्ट हैज थिन स्टोन। तो हेरिंग बोन एक टाइप का पैटर्न होता है, इसकी पिक्चर आपको आगे मिलेगी, तो उसके लिए वीडियो को आगे देखिए। जो स्पेस को मार्क करने के लिए यूज़ किया गया है एडजॉइनिंग एलिमेंट्स में जो भी स्पेस होती है उसको शो करने के लिए, और जो वाइट मार्बल पे ब्लैक और डार्क इनलेज यूज़ किए गए हैं डार्क इनले आर्ट यूज़ की गई है तो वो क्लियरली उभर के दिखती है उभर के सामने आती है। और जो बाकी येलो मार्बल जेड एंड जैस्पर और ऑल्सो द नेम्स ऑफ स्टोन्स यूज्ड इन ताजमहल। जो फ्लावर्स एंड लीव्स उसमें बनाए गए हैं कलर्ड स्टोन्स की हेल्प से वो लाइट और डार्क शेड में बनाए गए हैं। और जो डार्क पार्ट वाला स्टोन है वो थिक स्टोन है और लाइटर पार्ट वाला थिन स्टोन यूज़ किया गया है इसमें, और मल्टी कलर्ड स्टोन्स यूज़ किए हुए हैं। स्टोन कार्विंग्स इन हाई एंड लो रिलीफ आर मेड ऑन द वॉल्स। द मार्बल हैज़ बीन पॉलिश्ड टू एम्फसाइज द एक्सक्विजाइट डिटेल्स ऑफ द कार्विंग्स डेकोरेटेड विद पेट्रा ड्यूरा इनले ऑफ हाईली स्टाइलाइज्ड ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिक वाइन्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। टेसलेशंस टाइलिंग इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न द टॉम्बस्टोन्स एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइंस हैव डेकोरेशन इन डिफरेंट कलर्स। फ्लोर्स एंड वॉकवेज यूज कंट्रास्टिंग टाइल्स और ब्लॉक्स। इनसाइज्ड पेंटिंग मोर्टार्ड एरियाज ऑफ द मार्बल बिल्डिंग्स हैव बीन पेंटेड इन अ कंट्रास्टिंग कलर क्रिएटिंग कम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। द इनसाइज्ड पेंटिंग इनसाइड द डबल डॉम इज रिमार्केबल ड्यू टू इट्स केयरफुली डन इंट्रीकेट ज्योमेट्रिक पैटर्न।
तो कंट्रास्टिंग कलर में ज्योमेट्रिक पैटर्न इसमें यूज़ किए गए हैं। जाली वर्क और लैटिस विंडोज। द डेलिकेट कार्विंग ऑफ मार्बल इंटू जालीज एंड ग्रेसफुल वॉल्यूट्स स्पाइरल ऑर्नामेंट ऑन द पिलर इज इंट्रिकेटली डन। द ऑक्टागोनल मार्बल स्क्रीन और जाली विच बॉर्डर्स द सेनोटाफ्स इज कार्व्ड विद इंट्रिकेट पियर्स वर्क। द रिमेनिंग सर्फेसिस हैव बीन इनलेड इन एक्सट्रीमली डेलिकेट डिटेल विद सेमी प्रीशियस स्टोन्स फॉर्मिंग वाइन्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। वैरायटी ऑफ कंट्रास्ट एंड लाइट एंड शेड। द स्ट्रक्चरल स्टाइलाइजेशन प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ कंट्रास्टिंग प्लेन्स एंड शेड्स अलोंग विद सॉलिड एंड वायर्ड इफेक्ट्स इन द बिल्डिंग। इन द ओवरऑल व्यू ऑल्सो द वाइट स्ट्रक्चर इज कंट्रास्ट विद द रेड सैंडस्टोन ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स एंड ग्रीन ऑफ द गार्डन। Balance, symmetry and harmony. Wherever we see the carving, floral drawings or any type of calligraphy, it is identical for two areas leading to either adjacent or well balanced opposite sides. Here you have four pictures of different designs from this Taj Mahal. First one is plant motifs carved on marble. This is the picture of plant motifs carved on marble. The second one is recessed arc. Third one is Petra Dura inlay work, which we have discussed in this video. This is the picture of Petra Dura inlay work. Next is jali surrounding the cenotaph. Here we have other four pictures on this screen. The first one is cenotaph, Shah Jahan and Mumtaz Mahal. The picture of graves of Shah Jahan and Mumtaz Mahal. Next is calligraphy which is used on the walls of this Taj Mahal. Next is incised painting and next is herringbone pattern. This is the herringbone pattern which is shown in this picture. The charming lady in whose memory the Taj was built got immortalized in this harmonious balance between architecture and ornamentation. तो ये थी इन्फॉर्मेशन द ताजमहल के आर्किटेक्चर के बारे में। ऐसी और फाइन आर्ट्स की वीडियोस के लिए हमारे चैनल 24/7 AP लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। थैंक यू।